नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी में। मैं पूनम आपके। एक्टर रणवीर शौरी बिग बॉस ओटीटी 3 के खत्म होने के बाद से ही लगातार चर्चा में हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक्टर ने बताया कि वो कितनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास काम नहीं है, कई चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ रहा है। अगर काम नहीं मिला तो पैसा कमाने के लिए मजदूरी भी कर सकते हैं। एक इंटरव्यू में रणवीर शौरी ने बताया कि उनके पास काम नहीं है। उन्होंने कहा, मैं खुद लगातार लोगों से काम मांग रहा हूं। मेरे पास कोई मैनेजमेंट टीम नहीं है जिसकी बदौलत घर बैठे काम मिल जाए। मैं खुद लोगों के पास जाकर काम मांग रहा हूं, लेकिन मुझे वैसे रोल्स नहीं मिल रहे हैं। काफ़ी मेहनत के बाद रणवीर शौरी ने एक्टिंग में अपनी जगह बनाई है। वे कहते हैं, अगर मुझे एक्टिंग में काम नहीं मिलता है तो मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, फिल्म मेकिंग और सिंगिंग भी कर सकता हूँ। अगर मुझे इसमें मौका मिले तो काम करने के लिए तैयार हूँ। रणवीर शौरी ने कहा कि उन्हें कोई भी काम करने में शर्मिंदगी नहीं है। उन्होंने कहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो स्पॉट बॉय बनने के लिए भी तैयार हूँ। इससे भी बुरा वक्त आया तो पैसे के लिए मजदूरी भी कर लूँगा, उससे मेरा घर चलेगा। यह काम करने में मुझे बुरा नहीं लगेगा। मेरा एक उसूल रहा है कि मुझे पेमेंट टाइम से मिलना चाहिए। मैं इसके लिए आवाज भी कई बार उठा चुका हूँ। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी।